أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. अल्लाह हम सबको कहने और सुनने ज्यादा अमल की तौफीक फरमाए।
मौजू बड़ा अहम है और इतना अहम मौजू है ये जिसा कि इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात की तख्लीक ही इसी मौजू के लिए की। अल्लाह तबारक ने पूरी दुनिया को बनाया ही इसी मौजू को नाफिज करने के लिए, इसी मौजू की वजाहत और इसी मौजू की तशरीह के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात को पैदा फरमाया। बल्कि यूँ समझिए कि दुनिया में इंसान के वजूद का मकसद और उसका सर और उसकी चोटी यही मौजू है जिसे हम तौहीद बिल्लाह कहते हैं। अल्लाह तआला हमें इसके मकाम और रुतबे को समझने की तौफीक अदा फरमाए। मेरे अजीजों, तौहीद कबल इसके कि मैं इसके असरात और इसके अनवार और इसके समरात और इसके बरकात का मैं जिक्र करूँ, तौहीद कहते किसको है इसे समझिए। अरबी का लफ्ज़ है वहद युवाहिद तौहीदन, किसी चीज को एक बनाना। मैं थोड़ी सी आवाज और गुनगुनाहट आप लोगों में महसूस कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि ये गुनगुनाहट की आवाज के साथ कोई आवाज नहीं आनी चाहिए सिवाय मेरी आवाज। प्लीज आप लोग बिल्कुल साइलेंट खामोश अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करें ताकि मैं आपको कुछ दे सकूँ। अरबी का लफ्ज है जिसके माने हैं एक बनाना और शरी इस्तिलाह में तौहीद कहते हैं इफ़ादुल्लाह तआला बिल इबादत, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में अल्लाह तबारक व तआला को एक जानना, एक मानना, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना करना। तौहीद शरीयत इस्लामिया में इसका माना है इफ़ादुल्लाह तआला बिल इबादत, इबादत के जरिए अल्लाह तबारक तआला को एक समझ, अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ किसी को शरीक न बनाना। इसका अपोजिट शिर्क बिल्ला, शिर्क के माने होते हैं साझेदारी के, पार्टनरशिप के, इसी को शरीक भी कहा जाता है, शरीक तिजारत या शरीक जिंदगी या पार्टनर जिसको कहा जाता है। शरीक बनाना अल्लाह तबारक तआला के साथ ये शिर्क बिल्ला कहलाता है और तौहीद बिल्ला अल्लाह तबारक तआला को इबादत में एक मानना, एक कर लेना, यह है तौहीद, तौहीद बिल्ला। ये तमाम अंबिया और तमाम रसूल का मिशन यही रहा है, जितने भी अंबिया और रसूल इस दुनिया में आए इसी तौहीद के पैगाम को या इसी तौहीद को नाफिज करने के लिए अल्लाह तबारक तआला ने, इस तौहीद की तरफ दावत देने के लिए अल्लाह तबारक तआला ने तमाम नबियों को भेजा। और ये तौहीद एक मुसलमान का सबसे बड़ा हथियार है, जिस हथियार को अपना कर एक मुसलमान मुसलमान बनता है, एक मोमिन मोमिन कहलाता है। अकीदे सही, सही अकीदा जो एक हथियार है मोमिन का, जिसकी इस्लाम कुरान सुन्नत से होती है, सलफ सालहीन के दौर और तरीके से जिस तरह अकीदा सलफ सालहीन का था उसी अकीदे तौहीद से मुसल्ला होकर के एक इंसान मुसलमान और मोमिन बनता है। और ये तौहीद एक इंसान के जिस्म में जिस तरह से रूह अहम होती है, इसी तरह से ये तौहीद एक इंसान के लिए उतनी ही अहम है। और जिस तरह से रूहानी तौर पर आदमी कमज़ोर होता है, मजबूत होता है, ताकतवर होता है, जिंदा होता है, मुर्दा होता है, इसी तरह से ये तौहीद भी इंसान के दिलों में वही कैफियत इसकी होती है। किसी की तौहीद कमज़ोर होती है, किसी की तौहीद ताकतवर होती है, कोई तौहीद में बालातर होता है, कोई तौहीद में मजबूत होता है, और वो जितना मजबूत होता है उसके समरात और उसके असरात उसके दिमाग पर, उसके जहन पर, उसके किरदार पर, उसकी तहजीब पर, उसके माशरे पर, उसके कल्चर पर उतने ही मजबूत होते हैं। और इंसान तौहीद के अंदर जितना कमज़ोर होता है उतने ही उसके जिस्म पर, उसके किरदार, उसके कल्चर, उसकी सोसाइटी पर उसके असरात मुरतब होते हैं। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात अपने फतावे के अंदर बयान फरमाई है कि इस्लाम का की बुनियाद या इस्लाम का सर ये शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह यानी ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देना है, जिसमें सिर्फ एक अल्लाह की इबादत शामिल है और अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिवा तमाम मखलूकात और तमाम माबूदात की इबादत को छोड़ देना ये भी शामिल है। तो गोया कि इंसान के लिए तौहीद वैसे ही लाजिम है जिंदा रहने के लिए जिस तरह से इंसान को जिंदा रहने के लिए रूह की जरूरत है, रूह की जरूरत। और रूह जिस तरह से कमजोर होती है, ताकतवर होती है, ऐसे ही इंसान के लिए यह तौहीद भी ताकतवर है और तौहीद का हाथ भी होता है। और यह ला इलाहा इल्लल्लाह है जिस
जिसको अल्लाह तमाम मखलूकात को इसी फितरत पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया है और तमाम मिल्लतों की असास और बुनियाद भी इसी ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर रखी गई है। यही वो ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत है जिसके लिए तलवारें सौंपी गई, मैदान जहाद मार्के जहाद जो है मुनाकिद हुए और मार्के जहाद बपा हुए। यही वो तौहीद है जो इंसान को इंसान से अलग भी करती है। यही वो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह है जो इंसानों के दरमियान फर्क पैदा करती है। आप अंदाज़ा लगाएं कि आप भी इंसान हैं, आपको भी अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है और आपके माशरे में यहूद व नसारा भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, कुफार भी हैं, उन्हें भी अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है। आपके आपके चेहरे पर दो आँखें हैं, एक नाक है, होंठ हैं, आपके चेहरे पर कान है, आपके जिस्म के ऊपर सर है, आपके दो हाथ हैं, दो पैर हैं। बेनी इसी तरह से कुफार और मुशरिकीन के भी दो हाथ हैं, दो आँखें हैं, होंठ हैं, नाक हैं। सेम बिल्कुल जिस तरह आपकी शक्ल सूरत है, कुफार और मुशरिकीन की भी वही शक्ल सूरत है। जिस तरह खून आपके जिस्म में गर्दिश करता है, कुफार और मुशरिकीन के जिस्म में भी बिल्कुल वही सुर्ख खून है जो गर्दिश कर रहा है। आपके हाथ दो हाथ हैं, उनके भी दो हाथ हैं, आपके दो पैर हैं, उनके भी दो पैर हैं। लेकिन और दोनों अल्लाह की मखलूक हैं, दोनों को अल्लाह तबारक ने पैदा फरमाया है। लेकिन जरा गौर करें कि आप जन्नत में जाएंगे, वो जहन्नम में जाएगा। आप अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं, वो अल्लाह की लानत का उम्मीदवार है। वो उसका जिस्म, उसका दिल ना नजिस और नापाक है। आपका जिस्म, आपका दिल पाक और साफ है। वो काफिर है, आप मोमिन हैं। आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुकर्रब बंदे हैं, वो अल्लाह का मरदूद और अल्लाह का मदरूद बंदा है। आप जन्नत में अल्लाह की इनामात पाएंगे, वो आखिरत में अल्लाह की सजा का मुस्तहिक करार पाएगा। आखिर ये इंसान इंसान, आप भी इंसान हैं, वो भी इंसान है, लेकिन दोनों के दरमियान फर्क करने वाली कौन सी चीज़ है? किस चीज़ ने उसे जहन्नमी बना दिया? किस चीज़ ने आप में और उसमें फ़र्क पैदा कर दिया? किस चीज़ ने उसे जहन्नम का मुस्तहिक करार दिया, अल्लाह की लानत का मुस्तहिक करार दिया, जहन्नम का मुस्तहिक करार दिया, अल्लाह की रहमत से दूरी का उस बंदे को मुस्तहिक करार दिया? हालांकि दोनों अल्लाह के बंदे, हम भी हैं, वो भी हैं, लेकिन आप मुसलमान हैं, वो काफिर हैं। आप जन्नती हैं, वो जहन्नमी हैं। आप अल्लाह के रहें, आप अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, वो अल्लाह का मरदूद बंदा है। अल्लाह की रहमतों के आदमीदार हैं, वो अल्लाह से अल्लाह के गज़ब का वो शिकार होने वाला है। किस चीज़ ने आखिर इन दोनों इंसानों के दरमियान फ़र्क पैदा किया है? आपको मालूम होना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? वो कलमे तौहीद है। वो कलमे तौहीद है जिसने इंसान इंसान को फर्क, इंसान इंसान के अंदर फर्क पैदा किया है। और यही वो कलमे तौहीद है जो इंसान को दुनिया और आखिरत के अंदर फलाह और कामयाब, फलाह और कामरानी से हमकिनार करने वाली है। यही वो तौहीद है जो अजाब कब्र से निजात देने वाली है। यही वो तौहीद है जो इंसान को अल्लाह के अज़ाब से बचाने वाली है। यही वो तौहीद है जो अल्लाह की रहमतों की बरखा बरसाने वाली है। यही वो तौहीद है जो जन्नत की कुंजी है, जन्नत की कुंजी है। यही वो तौहीद है ला इलाहा इल्लल्लाह जिसके ज़रिए से जन्नत का दरवाज़ा खोला जाएगा। और यही वो तौहीद है, यही वो तौहीद है जिससे कि एक इंसान मोमिन होता है और एक इंसान काफिर, इसको ना मानने वाला काफिर होता है। तो गरज कहने का मतलब ये है मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों और भाइयों, कि इसका रुतबा और इसका मकाम इतना अजीम है तौहीद का, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में हमें जो पैदा किया है इसी तौहीद को वफा करने के लिए। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, रब ने फरमाया हमने इंसान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। इससे तौहीद की अहमियत का पता लगता है। खैर, अब हम और आगे बढ़ते हैं। तौहीद के असरात इंसानी जिंदगी पर, तौहीद का क्या असर, क्या इफेक्ट इंसानी जिंदगी पर पड़ता है, क्या असर होता है एक इंसान कलमे तौहीद पढ़ लेता है या तौहीद के साँचे में अपने आप को ढालता है या तौहीद का कलमा पढ़कर खुद उसके ऊपर अमल पैरा होता है, तो उसके ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं? आइए इसको हम देखते हैं कि तौहीद से पहले क्या हाल होता है और तौहीद के बाद उसी इंसान का क्या हाल होता है। आप गौर करें हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तदाई अय्याम को आप देखें कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खानदान की जीत महफूज भी, और आप जिस माहौल में पैदा किए गए मक्के की सरजमीन पर, वहाँ कतरो खून गारतगरी का माहौल था, बाजार गर्म था, चोर चक्के बदमाश हर चीज़ का माहौल था, गोया शराब जना बदकारियाँ उनकी घुटियों बड़ी, ना उनका कोई कल्चर था, ना उनकी कोई सकावत थी, ना उनकी कोई तहजीब थी। बरसहा बरस के खून के जो है क्या कहते हैं बदले, दादाओं परदादाओं के बदले उनके पोतों परपोतों से लिए जाते थे। जंग
और मोहब्बत और दोस्ती और दुश्मनी की जो असास और बुनियाद थी वो सिर्फ क्या थी, कबीला और खानदान। कबीले और खानदान के लिए जंगें होती थी, कबीले और खानदान के तासुर में एक दूसरे से लड़ाइयाँ होती थी, कबीले और खानदान के फख्र और बुलंदी के लिए आदमी एक दूसरे का खून बहाता था। यही एक बुनियाद थी कबीला और खानदान। लेकिन जब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस माहौल में पैदा हुई और आप आए तो आपने मोहब्बत और अखुवत की जो बुनियाद रखी वो रंग और नस्ल के ऊपर न रखी, वो कबीले और खानदान के ऊपर न रखी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जात और पात के ऊपर मोहब्बत और अखुवत की बुनियाद नहीं रखी, बल्कि हम जब तारीख उठा करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहमी ताल्लुकात और बाहमी रवाबित और बाहमी अखुवत और मोहब्बत की जो बुनियाद रखी वो कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह। यह कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, जिस कलमे के सिल्क में और जिसके धागे में ये पिरोए गए, पिरोए कलमा पढ़ा उन्होंने और इस धागे के अंदर जुड़े तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें वो रिफात और बुलंदियाँ और मकाम अदा फरमाई। ये आसमान से रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु की खुशखबरियाँ अल्लाह तआला ने उन्हें अदा फरमाई। वो सहाबा के अलकाब से मुलक्कब किए गए और वो तहजीब और वो तमद्दुन उन्होंने सीखा। और जब वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान लाए तो कबाइली जो जंगें थी वो खत्म हुई, खून और कत्ल वारदगी का वो सिलसिला बंद हुआ, जिनाकारी और बदकारी के सारे अड्डे बंद हुए और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी उनकी जो बुनियाद और तो आपसी मोहब्बत की और जो रखी गई बुनियाद रखी गई कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो हमने देखा कि अल्लाह पर जहाँ पर फर्द इस कलमे से मुतासिर हुआ, इनफरादियत इनफरादी तौर पर लोगों के किरदार के अंदर तब्दीली पैदा हुई, वहीं एक माशरा और एक सोसाइटी भी अजीब व गरीब और एक नई सोसाइटी और नया माशरा आलम वजूद में आया। और हमने देखा कि इनफरादी तौर पर लोगों ने ये कलमा पढ़ करके अल्लाह के रसूल अल्लाह के रसूल के ताबेदार बनकर इनफरादी तौर पर उनके अंदर तब्दीली पैदा हुई, तो वही फर्द इकट्ठा हुए तो इज्तमाही तौर पर भी उनके अंदर बहुत सारे असरात पैदा हुए। तो ये तौहीद इसने इंसान को सबसे पहली चीज जो पहला दर्स जो दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली बात जो बताई वो ये थी, ऐ लोगों अल्लाह के बंदे अल्लाह के गुलाम बनो। इंसान इंसान का गुलाम नहीं होता, इंसान इंसान का गुलाम नहीं होता। चुनाचे सहाबे कराम जहाँ कहीं भी ये पैगाम ला इलाहा इल्लल्लाह लेके गए उनका मंशा और उनका मिशन ये था और वो ये कहा करते थे कि हम इसलिए आए हैं ताकि अल्लाह की मशीयत से बंदों को बंदों की गुलामी से निकाल कर एक अल्लाह वहदहु ला शरीक की गुलामी। हमारा मिशन हमारा मकसद अपनी गुलामी करवाना नहीं है। ऐ दुनिया के लोगों, हम मुसलमान हैं, हम किसी के फरमाबरदार हैं, किसी के ताबेदार हैं, हम लोगों को अपना गुलाम नहीं बनाना चाहते। अगर हम तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ दावत देते हैं, अगर हम तुम्हें इस्लाम की तरफ दावत देते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि तुम्हारा दीन छुड़वाकर तुम्हारे आबा और अजदाद का मजहब छुड़वाकर हम तुम्हें अपना गुलाम बनवाना चाह रहे हैं या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम और गुलाम बनवाना चाह रहे हैं, बल्कि हमारा मकसद यह है कि अपने आबा और अजदाद की गुलामी को छोड़कर बादशाहों की गुलामी को छोड़कर उनको सजदा न करके उनको हाजत रवा उनको मुश्किल कुशा न मान करके तुम एक अल्लाह तबारक व तआला की गुलामी में आ जाओ। सिर्फ अल्लाह जो वो अल्लाह जिसने हमको भी पैदा किया, जिसने तुमको भी पैदा किया, जो हमारा और तुम्हारा तनहा खालिक व मालिक, उसी के सामने सजदा करो, उसी के सामने रुकू करो, उसी के सामने अपने माथों को टेको, उसी से अपने उम्मीदों की उसी के ऊपर भरोसा करो और उसी से अपनी उम्मीदें वाबस्ता रखो, वो अल्लाह तबारक व तआला। तो गोया तौहीद का सबसे पहला मिशन ये था कि इंसानों को आज़ाद कराना, वो इंसान जो गुलामियत की जंजीरों में जकड़ा हुआ, वो इंसान जो एक दूसरे का गुलाम बना हुआ था, वो इंसान जो एक दूसरे को सजदा करता था, वो इंसान जो अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह के सामने अपने सरों को झुकाया करता था, अल्लाह ने इस इस्लाम के जरिए से हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से इंसान को इंसान की गुलामी से आज़ाद कराया। तो फर्द के ऊपर सबसे पहला इसका असर यह हुआ कि जिसने भी ये कलमा पढ़ा वो अल्लाह का डायरेक्ट गुलाम बन गया, अल्लाह का अल्लाह के सामने सजदा करने वाला हो गया, उसके दिल में अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर जागृत हुआ, बंदों का खौफ बंदों का डर उसके दिल के अंदर। दूसरा फायदा फर्द का असर यह हुआ
کی دل باگفاف ہو گئے, وہ دل جو بغض و حسد کا مرکز تھے, وہ دل جو غیر اللہ کی عبادت و پرستی سے نجس اور ناپاک ہو چکے تھے, وہ دل جو پتوں کے کھڑکنے کے اوپر بھی لرز جایا کرتا تھا, وہ دل جو ہر کسی کے سامنے اتنا کمزور کہ پیڑ اور پودوں کے سامنے بھی جھک جایا کرتا تھا, وہ دل جو ایک دوسرے کے مورتی اور پتھروں سے لرز کر اس کے سامنے بھی سجدہ ریز ہو جایا کرتا تھا, وہ دل جو ہر ایک سے خوف زدہ رکھتا تھا. اسلام جب آیا تو اس کلمہ توحید کی وجہ سے دل پاک و صاف ہو گئے. اب اس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کا خوف, اللہ عزوجل کی خشیت, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اس قدر ہو گیا کہ رات کی تنہائیاں ہوں یا دن کے اجالے ہو, اگر کوئی جرم ہوتا تھا, کوئی خطا ہوتی تھی, کوئی غلطی ہوتی تھی اور کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا تھا, پھر بھی دل کے اندر یہ عقیدہ, مضمر عقیدہ بیدار ہو جاتا تھا, ضمیر چیخ اٹھتا تھا اور یہ کہا کرتا تھا اگرچہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن عرش کے اوپر مستوی تمہارا رب تمہیں مسلسل دیکھ رہا ہے, تمہیں مسلسل تمہاری نگرانی کے اندر لگا ہوا ہے, وہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے, دنیا کی نگاہوں سے تم چھپے ہوئے ضرور ہو لیکن پاک پروردگار تمہیں دیکھ رہا ہے. اب اس پہ اس کی جب یاد آتی تھی, دل اتنا پاک و صاف ہو جاتا تھا اللہ اکبر, کہ ذرا ذرا سی غلطیاں اور خطائیں بھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے وہ اقرار کرتے تھے, اعتراف کرتے تھے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی, ہم سے یہ خطا ہوئی. تو اس طرح سے میرے عزیزو, توحید کی یہ برکت اور توحید کا اثر یہ ہوتا تھا کہ انفرادی طور پر بھی لوگوں کے قلوب مجلہ اور مصفہ ہو گئے, شرک اور کفر کی آلودگیاں اور جو گندگیاں تھیں اس سے دل پاک و صاف ہو گئے اور اس کی جگہ پر نور توحید, توحید کا نور اور توحید کی روشنی نے اس کے اندر گھر کر دیا. تو یہ انفرادی طور پر اس طرح سے برکتیں ہوئیں. اور آپ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ صحابہ جو اللہ اکبر ذرا ذرا سی بات پر خون کی ندیاں بہا دیتے تھے, وہ صحابہ جو ایک دوسرے کی گردنوں کو اڑا دیا کرتے تھے, وہ صحابہ جو کبھی کسی کے طعنے اور تشریح کو برداشت نہیں کرتے تھے کفر کی حالت میں, لیکن جب وہی مسلمان ہوتے ہیں, جب وہی کلمہ توحید پڑھ لیتے ہیں, اللہ اللہ اللہ, اتنا نرم, اتنے نرم ہو جاتے ہیں کہ کہنے والے کچھ بھی کہتے ہیں, صبر اور تحمل سے برداشت, قوت برداشت, قوت تحمل اس کے اندر اتنی آ جاتی ہے کہ الحمدللہ ایک دم لوگوں کے لیے بالکل نرم ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر, یعنی ان کا دل پاک و صاف ہو جائے, اللہ کا خوف اس کے اندر, ذرا سا جو بڑے بڑے گناہ کر کے بھی کبھی نہیں خوف زدہ ہو دیتے, لیکن ذرا ذرا سے گناہ ہو جانے پر آپ دیکھیے وہ تڑپ جایا کرتے تھے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں آپ کو, اور مرد و مرد عورتیں بھی, اگر کہیں کوئی خطا ہوئی, کوئی غلطی, ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس سے کیا کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, طہرنی یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی مجھے پاک و صاف کر دی, مجھے پاک و صاف کر دی. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا بات ہے, کیا بات؟ اس نے کہا اللہ کے نبی مجھ سے خطا ہو گئی اور میرے پیٹ کے اندر بچہ ہے, غلطی ہو گئی ہے, میں حمل سے ہوں, مجھ سے خطا ہو گئی ہے, میں نے زنا کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں, ایسا ہے جب یہ بچہ پیدا ہو جائے اس وقت آنا, اس وقت ہم تمہارے اوپر حد لاگو کریں. اللہ اکبر, وہ عورت چلی, کچھ دنوں کے بعد بچہ پیدا ہو, پھر بے قراری بڑھی, بے چینی بڑھی. اللہ اکبر, وہ عورت پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ پیدا ہو چکا ہے, اب مجھے پاک صاف کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر, اگر آپ تصور کریں روٹے کھڑے ہو جائیں گے, خود کو پتھروں سے مروا کر علاج کروانے کا, یعنی میرے اوپر حد قائم کیجیے, میں نے زنا کیا ہے, یہ بچہ غلط مرد سے پیدا ہوا ہے, مجھے پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دیے, اللہ کا خوف میرے دل میں ہے, میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی, میں نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے, میں اللہ کی توحید پر گامزن ہوں, میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں. یہ تھی توحید کا اثر, یہ تھی وہ توحید کی برکت, اور یہ تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیہ نفس, اور یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توحید کے پانی سے ان کے دلوں کو کس طرح سے پاک و صاف کیا تھا کہ رات کی تنہائیاں, دن کے اجالے کسی نے بھی نہ دیکھا ہو لیکن رب دیکھ رہا ہے, یہ تصور ان کے دماغوں کے اندر بیٹھا ہوا. یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مفہوم, کہ جب کوئی انسان لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے بیٹھ کے ہمیشہ اس کے دل و دماغ پر رب کائنات کی حکمرانی کا تصور ہوتا ہے, وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے مالک و مولا کو یاد کرتا رہتا ہے, اس سے محبت بھی کرتا ہے اور اس سے ڈرتا بھی. یہ نہیں کہ چوری کرتے وقت کسی کی یاد آ رہے, برتاری کرتے وقت اللہ کو بھول جائیں, صرف اذان کے وقت آپ کو اللہ یاد آئے اور مسجد یاد آئے, اور جب مسجد سے باہر نکلیں تو آپ کو بزنس کے اندر کے وقت اللہ نہ یاد آئے, آپ اپنے
اپنے بیوی بچوں میں رہیں تو اللہ نہ یاد آئے، بازاروں میں رہیں تو اللہ یاد نہ آئے، آپ دوستوں کی محفلوں میں رہیں تو اللہ یاد نہ آئے، آپ کہیں بھی رہیں آپ کو اللہ نہ یاد آئے، یہ توحید کا مفہوم نہیں ہوتا، نہ ہی یہ مومن کامل کی علامت اور نشانی، توحید کا اصل تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ جس محفل میں رہیں، جس جگہ رہیں، جس ملک میں رہیں، رات میں رہیں، دن میں رہیں، سمندروں میں رہیں، آسمانوں میں رہیں، ہوائی جہازوں میں سفر کریں یا پانی کے جہازوں میں سفر کریں، جہاں کہیں بھی رہیں، آپ کے ذہن و دماغ پر آپ کے رب کی حکمرانی اور آپ کے رب کا روب اور دبدبہ اور آپ کے رب کا اللہ وحدہ لا شریک کا خوف مسلط ہونا چاہیے، ذرا بھی گناہ کرنے تک ہمارے دماغوں کے اوپر اللہ جواب تعالیٰ کا روب ہونا چاہیے، یہ وہ لا الہ الا اللہ کا لا الہ الا اللہ کا یہ اثر ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا اثر یہ ہونا چاہیے، ورنہ اگر اس لا الہ الا اللہ کا اثر نہ رہا تو پھر وہ کس زبان، علامہ اقبال نے کہا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا، صرف زبانی طور پر لا الہ الا اللہ کی رٹ لگا لینا، صرف زبانی طور پر لا الہ الا اللہ کو ورد کر لینا، یا تسبیح اور مصلے لے کر لا الہ الا اللہ کے وظیفے پڑھ لینا، دن دن بھر میں ہزار ہزار دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، اور لا الہ الا اللہ کا جو تقاضا ہے اس کو پورا نہ کرنا، اس کو مکمل نہ کرنا، لا الہ الا اللہ کی جو تاثیر ہے وہ اپنے دل و دماغ پر محسوس نہ کرنا، لا الہ الا اللہ کا جو اثر ہے وہ انسانی زندگی کے اندر نافذ نہ کرنا یا اس کا ظاہر نہ ہونا، پھر اس لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اگر لا الہ الا اللہ کہتے ہو تو اللہ اقبال نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ چکویم من مسلمان بدلتم کدارا مشکلات لا الہ، اگر میں اپنی زبان سے کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میرا جسم لرز جاتا ہے، میں کہاں جاتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کی مشکلات کا مجھے اچھی طرح سے پتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہہ لینے کے بعد اللہ اکبر آدمی کا، آدمی مستیاں کرے، آدمی جو چاہے کرے، ہرگز نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کے بعد آدمی باوقار ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ لینے کے بعد آدمی اگر بخیل ہے تو سخاوت کرنے والا ہو جاتا ہے، اگر وہ شکیم القلب ہے تو وہ نرم دل ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اگر وہ چور اور بدماش ہے تو وہ شریف النفس بن جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کا اگر وہ مشرک تھا تو مومن بن جاتا ہے، کافر تھا تو مومن ہو جاتا ہے، مشرک تھا تو موحد بن جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ لینے کے بعد اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ مخلوقات کی اور دیگر لوگوں کی اطاعت و پیروی کرتا تھا، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے دل کے اندر اگر اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاتا ہے تو اپنے اعضا کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کا اور آپ کے احکامات و ارشادات کا جو پیروکار بنانے کی کوشش کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ لینے کے بعد آدمی چوری کرنا چھوڑ دیتا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے زنا کاری کرنا چھوڑ دیتا ہے، بدکاری کرنا چھوڑ دیتا ہے، ریبت چھوڑی کرنا چھوڑ دیتا ہے، لا الہ الا اللہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان انسان سے محبت کرنے لگتا ہے، لا الہ الا اللہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے سے دوستی کرتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے سے محبت کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہر کلمہ گو مسلمان سے وہ اپنی محبتوں کا اظہار کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی باہمی طور پر اخوت و محبت کا پیکر بن جاتا ہے، باہمی طور پر اونچ نیچ ختم ہو جاتے ہیں، ذات پات مٹ جاتے ہیں، کوئی ذات پات نہیں مسلمان کی، صرف ایک ذات ہے اور وہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا، یہی ایک مسلمان کی شناخت ہے، یہی ایک مسلمان کی پہچان ہے، نہ ان کے اندر ذات ہوتی ہے، نہ ان کے اندر پات ہوتی ہے، نہ ان کے اندر آپس میں کوئی اونچ اور نیچ ہوتا ہے، بلکہ ان کے ہاں اونچ اور نیچ کا معیار ہوتا ہے اللہ سے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، وہی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ شریف ہے اور وہی مہذب ہے، وہی مکرم ہے، وہی محترم ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا تقوی اور پرہیزگاری کے اندر جس قدر بلند ہوتا ہے وہ اللہ کی نظر میں اتنا ہی بلند ہوتا ہے، اور جو اللہ کی نظر میں بلند ہو جاتا ہے وہ دنیا کی نظروں میں بھی بلند ہو جاتا ہے، یہ بات ہے، دنیا کے لوگ اسے چھوٹا سمجھیں، دنیا کے لوگ اسے حقیر سمجھیں، تو لا الہ الا اللہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آپس کی محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے، قدورتیں ختم ہوتی ہیں، بغض و عناد ختم ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے اختلافات بھی مٹ جاتے ہیں، بڑے بڑے اختلافات تو بڑے دور کے رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں آپ کو کیا کیا مثالیں بتاؤں، میں آپ کو صحابہ کرام کی سیرت کے کیا کیا نمونے پیش کروں، آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ کو میں نے چھوٹی سی مثال دی خاتون کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابیہ کی کہ اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر اتنا پیدا ہوا کہ اس نے کہا طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دو، بچہ بھی پیدا ہوا، اے اللہ کے نبی بچہ پیدا ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ ابھی تم ماں بن چکی ہو، اس کے دودھ پینے کے اوقات ہیں،
ये इसके दूध 2 साल तक इसके दूध पीने का इसका हक है। जाओ जब तक ये रोटियां ना खाने लगे तब तक अपने हफ्ते मादरियत को अदा करो, मादरी हक को अदा करो। तुमने गलती कर दी है, इस बच्चे ने गलती नहीं करी है। रहमतुल आलमीन ने फिर उस खातून को वापस किया, वो औरत गई अल्लाह अकबर, लेकिन अल्लाह का खौफ इतना डर जिस दिल के अंदर इसका बसा हुआ था और अल्लाह की नाफरमानी का जो उसके ऊपर खौफ था इस कदर तारी था कि 4 महीने में उस नन्हे मुन्ने बच्चे को उसे रोटी खाना सिखा दिया। वो बच्चा रोटी खाना शुरू किया, वो माँ 4 महीने के बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसके हाथ में रोटी का टुकड़ा लेकर अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहे अल्लाह के नबी तहरनी, मुझे पाको साफ कर दीजिए, अब ये बच्चा रोटी खाने लगा है और उसका सबूत यह है कि इसके हाथ में रोटी का टुकड़ा है, मैंने इसे रोटी खिलाने की जिंदा रहने की एक आसरा मैंने उसका लगा दिया, एक सहारा मुझे रोटी खाने लगा है। अल्लाह अकबर, ये थी वो तरबियत मोहम्मद रसूलुल्लाह और ये असर था ला इलाहा इल्लल्लाह, ये असर था ला इलाहा इल्लल्लाह का कि चला चल जाकर मेरे घर ले जाओ। अब इस खातून को कपड़े बांध कर इसको 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 पत्थर मार करके इसको पाको साफ किया, चुनाचे उसको पाको साफ किया। आप एक और मिसाल में आपको एक सहाबी रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर और मारूफ सहाबी हैं माइदा हजरत अबू माइदा असलमी रजी अल्लाह तआला वो आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी मुझसे गलती हो गई है, मुझे पाको साफ, मेरे अजीजों खुद को खुद जुर्म करके उसका इतराफ करना ये हर एक के बस की बात नहीं होती है। ये बहुत बड़े ईमान वाले और बहुत बड़े कुव्वत ईमान, मैंने बताया आपको ईमान किस तरह से कमजोर और किस तरह मजबूत होता है। जिसका ईमान जितना मजबूत होता है वो उतने ही अल्लाह से उतना ही करीब होता है और अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल के अंदर उतनी ही मजबूत होती है। हते माई असलमी रजी अल्लाह तआला अन्हो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी मैंने गलती करी, आपने चेहरा फेर लिया दूसरी तरफ कर लिया, वो दूसरी तरफ आए उन्होंने कहा अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दिए, मैंने गलत काम किया है, आपने फिर चेहरा बाएं दाएं तरफ कर लिया, दाएं तरफ आकर के खड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने कोई ख्वाब देखा होगा तुमने गलती नहीं करी। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी मैंने ख्वाब नहीं देखा, मैं सच कह रहा हूँ कि मुझसे गलती हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ तुमने किसी की कोई बात सुन करके तुमने अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया होगा। दूसरी तरफ आपने कहा अल्लाह के नबी नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं होश हवास। आपने फरमाया तू पागल हो गया। कहा अल्लाह के नबी पागल नहीं हूँ, मैं सही हूँ दिमाग हूँ, मैंने गलत किया। आप देखते रहमत मिला रही है अल्लाह के नबी, जानते से जान लेना इतना आसान नहीं है किसी का, पत्थरों का मेरे अजीजों तसव्वुर सोचना बड़ा आसान है लेकिन अपने जिस्म के ऊपर पत्थर खाना ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये उनसे पूछे जिन्होंने और उनसे क्या पूछे वो अल्लाह को प्यारे। मैं आपको बताऊं कि हजरत मायूसी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी मैंने ये काम किया है। सहाबे कराम को बुलाया गया, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने शराब पी है इसको ले जाओ, इसका मुंह देखो शराब रात तो नहीं पिए, पता लगा। सहाबे कराम ने जाकर के उनके मुंह को सूंघा और आए, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी नहीं शराब वगैरह तो इस शख्स ने नहीं पी। कहा भी ये पागल होगा, जाओ तहकीक करो इसके महल्ले में ये सीख सही जमात के लिए, ले जाओ उसको। गए कुछ दिनों के बाद फिर तहकीकात के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे खबर दी गई कि नहीं ये पागल नहीं है ये सबूत जमात। अल्लाह के नबी ने जब उन्होंने कई दफ़ा इतराफ़ किया तब आपने सहाबा को हुक्म दिया कि जाओ इनको पत्थरों से संसार मार। अल्लाह अकबर, ले जाया गया मैदान में मदीने के बाहर सहाबे किराम का जमघटा, सबों ने पत्थर उठाए, अल्लाह के खौफ से वो तने तनहा खड़े उस चारों तरफ उस भीड़ में खड़े हुए अल्लाह के खौफ, और जब पत्थर मारना शुरू किया सहाबा ने अल्लाह अकबर, उन्होंने अपने हाथों से अपने चेहरे को सब आदमी अपने चेहरे से को बचाता है और बताते हैं वाकयात में आता है कि इतने पत्थर लगे कि जब परेशान हो गए और पत्थर की वो मार वो जर्ब वो शिद्दत न बर्दाश्त कर सके तो वो हल्का तोड़ करके माई असलमी भाग गए, हल्का तोड़ करके सर पर उन्होंने मुखालिफ शब्द भागना शुरू किया, सहाबा ने उनका पीछा किया और पीछा करके और किसी तरह से उनको मतलब पत्थरों से मार करके उनको हिला कर दिया। अल्लाह अकबर, सहाबी रसूल आदम ये वाकया नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज करने लगे, कहने लगे अल्लाह के नबी जब माइस को हमने मारना शुरू किया तो माइस खड़े रहे बर्दाश्त किया उन्होंने लेकिन मार की शिद्दत
का एहसास उनको उस वक्त हुआ बहुत तेज, जब वो नहीं बर्दाश्त कर पाए तो अल्लाह के नबी वो हल्का तोड़ करके भागे और हम लोगों ने उसका पीछा किया। और मेरे हमारे दरमियान में से किसी सहाबी ने के कोई हड्डी पड़ी हुई थी ऊंट की, वो हड्डी फेंक करके जब उनके उसके सर के ऊपर मारी तो वो तलमला करके पत्थरों के ऊपर गिरे और फिर हमने उनको जाने और पत्थरों से मार मार करके ये वाकया नबी की खिदमत में बयान हो रहा है। सहाबी बयान कर रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि जब मैंने सर उठाकर नबी कायनात के चेहरे मुबारक को देखा तो आपका चेहरे मुबारक आंसुओं से तरबतर हो चुका था, आंसुओं से चेहरा भर चुका था। और जब मैंने ये कहा कि जब वो भागे तो किसी ने हड्डी फेंक करके मारी और तलवार के गिर गए तो नबी कायनात ने कहा हल्ला कर तुम दिलों से निकाल करके फेंक देता है। इंसान या तो अपने नफ्सानी ख्वाहिशात का गुलाम बने या तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के अहकाम का गुलाम। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का असर होना चाहिए और आपने देखा नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह का असर आज हमारे ऊपर क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह का असर कोई असर नहीं। कौन सी ऐसी बुराई और कौन सा ऐसा है और कौन सी ऐसी गंदगी जो कुफ्र और शिर्क काफिरों मुशरिकों में है और वह हम में मौजूद रही है मुझे आप बता सकते हैं? सब जानते हैं, हम सब इस बड़ी हकीकत को जानते हैं। हर बुराई अकीदे से लेकर अमल से लेकर अखलाक से लेकर मामलात जो इस्लाम का मुरक्का है हर बुराई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेने के बाद भी हमारे अंदर मौजूद है। कौन सी ऐसी बुराई? अल्लामा इकबाल ने बहुत हुआ तो गिनाया अपने किसी शेर में गिनाया भी और मोटी मोटी चीजें उन्होंने गिनाई। मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक, एक ही सबका नबी, दीन भी इस्लाम भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक। फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी पूछो बताओ कि मुसलमान भी हो, तुम सभी पूछो बताओ कि मुसलमान भी हो। वजह में तुम हो नसारा तो तमतुन में हरूद, ये मुसलमान ऐसे हैं देख के शर्माएं। आज हमारी हालत अना यहूद और नसारा को भी हया आती है हमें देखकर। हमारे अखलाक इतने गंदे हो चुके हैं, हमारा मामला इतना गंदा हो चुका है। अल्लाह की कसम कुफार भी सोचते हैं कि ये अजीब और गरीब कौम के लोग हैं, कहां कहां से फितने लाते हैं, कैसे कैसे फितने। अल्लाह हमारे यहाँ क्या क्या गंदगियां, हमारे यहाँ क्या क्या चीजें मौजूद नहीं है, हम नहीं गिनाना चाहते, आप सब जानते हैं। बदअकीदगी के मजाहिर, बदअकीदगी के मजाहिर देखने हैं तो हमारे मुल्कों के अंदर चले जाओ, देखो कोई तोते की पूजा कर रहा है, कोई तोते की पूजा कर रहा है, कोई पता नहीं ताजिए खपच्चियां हैं, सब पूजे जाते ही। हमें अभी दोपहर को हम गुफ्तगू कर रहे थे होटल में, हमारे भाई नाम वगैरह बताने की कोई जरूरत नहीं, बता रहे थे, मुल्क बताने की जरूरत हद हो गई। वो लड़का हमें वो वाकया बता रहा था, कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा इंसान का उज़्वे तनासुल पेशाब करने का जो आला होता है, हमारे मुल्क के मुसलमानों ने उसे बनाया है, बनाकर अटैची के अंदर रखकर उसके ऊपर कुल हुवल्लाहु अहद कुरान के ऊपर उसको रखा है और बाबा और उसको चूमा जाता है, औरतों को चुमाया जाता है, तुम्हें औलाद पैदा होगी इसकी। मैं कहता हूं कि क्या यहूदियों का अकीदा है, यह नसारा का अकीदा है जो आज ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना हम कर रहे हैं? हम किस दीन इस्लाम की हम बात करें? अपने मुल्कों में हमारा दीन मस्खरा बनाया गया, तमस्खर मजाक उड़ाया जा रहा है, हमारा दीन इस्लाम का मजाक उड़ाया जा रहा है। और हम हैं और अल्लाह का जब हमारे ऊपर अजाब आता है तो चिल्लाते हैं, रोते हैं कि अल्लाह का अजाब, अल्लाह का अजाब क्यों नहीं आया? ये ला इलाहा इल्लल्लाह का समरा, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या आसार, एक ला इलाहा इल्लल्लाह का
के असरात अगर देखे सहाबे कराम की पूरी जिंदगी पड़ी ला इलाहा इल्लल्लाह ही का यह असर था, ला इलाहा इल्लल्लाह ही का यह असर था। ये अगर दरबारे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अबू बकर और उमर और उस्मान और अली जैसे कुरैशी नौजवान बैठे हैं तो पहलू ब पहलू बिलाल हबशी साहेब रूमी जैसे गुलाम बैठे हैं। ये ला इलाहा इल्लल्लाह ही का असर था कि पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफेरी बहन हबशी गुलाम एक फुफेरी बहन ये एक गुलाम से प्यारी थी, एक उसे बहन थी ये गुलाम। आज तो आप गुलाम हैं, अल्लाह ने आपको दौलत दे दी, ईमानदार बन गए तो हसन नसब भी बदल डालते हैं लोग, खानदान भी बदल डालते हैं, हसन नसब भी बदल डालते हैं। और अगर घर में कोई नौकर है उससे शादी करने की बात आ जाए तो परेशानियों में रहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का हाथ मार, तू है कहाँ ना, हमारे हमारे बराबर है क्या तू, वो मुसलमान नहीं, वो कलमा पढ़ने वाला बंदा मुसलमान नहीं, क्या हमारा खानदान हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के हो सकता। हस्ते ज़ैद गुलाम थे, हस्ते ज़ैनब नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरी बहन उनसे ब्याही अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला कुरैश की नौजवान और उनकी उनकी बहन कौन थे उनके शौहर पता है हजरत बिलाल हबशी काले कलम के बना उनसे ब्याही। कहाँ है ना हमारे अखलाक दुरुस्त हैं, ना हमारे मामलात दुरुस्त हैं, ना हमारा बिजनेस, ना हमारा अकीदा, हम हर जगह मिल रहे हैं। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों और भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह का ये उसकी ये तासीर नहीं। हमारी सोसाइटी, हमारा माशरा सबसे गंदा, बेपर्दगी, बेहयाई, फुहाशी, कोई कोई पर्दा शर्दा कुछ भी नहीं है। एक तो गुरबतों के सजाए हुए, दूसरे अगर है ईमानदार है तो और भी ओपन माहौल चल रहा है, फलेरा भाई आ रहा है, चचेरा भाई आ रहा है, ममेरा भाई आ रहा है, लड़कियां बैठ करके कैरम बोर्ड खेल रही हैं, एक साथ वीडियो देख रही हैं, फिल्में देखने जा रहे हैं, कौन है हमारे कजन, ये कजन ना हुआ ये पत्नी क्या हो गया, अल्लाह सजन हो गया है? जिसको देखो हमारे कजन हैं, उनके कजन हैं, कजन का लफ्ज क्या है, सब कुछ सारे ऐबों को छुपा देता है, कजन बेपर्दा बैठे हुए पैंट शर्ट इन किए हुए दाने चीरे हुए बेटियां भी बैठी हैं, बहन भी बैठे, हया भी नहीं आती, शर्म भी नहीं आती कि तेरे शर्मगाह अगर पैंटों से छुपे हुए हैं लेकिन मकामात तो उभरे हुए नजर आ रहे हैं। हम कहां, हमारा लिबास, हमारा चेहरा, हमारा किरदार, हमारा करेक्टर, हमारे रस्म रिवाज, शादी ब्याह, लेन देन, उठने, सब कुछ चेंज हो गया। और अगर कोई दीन पे अमल कर रहा है तो नजायज पसंद है, दखलअंदाज है, पिछड़े हुए लोग हैं, तहजीब नहीं है, इनको जमाने के साथ चलना चाहिए। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, ऐसा ना करो, ये ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मजाक है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह की तौहीन है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का तमस्कुर है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह को तोड़ना है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह से ला इलाहा इल्लल्लाह के असरात को कबूल नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे तो अल्लाह की कसम कभी दुनिया में इज्जत पा सकते हैं, अगर ईमान और अकीदा सही है तो उसके बाद तुम्हारे हमारे आमाल सही होंगे। हर किसी का सोचो कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहिया मोहम्मद रसूलुल्लाह कहिया बाकदम जन्नत में हम चले जाएंगे, हर किसी अमल अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को वो मकाम और रुतबा देता है कि इंसान अपने माल और दौलत को उसके पैरों में धूल होती, अपनी जान को भी वो हथेलियों में रख करके चलता, वो किसी से नहीं डरता। सुनो, जो कायनात से डरता है, जो अल्लाह से नहीं डरता वो सारी कायनात से डरता है, और जो अल्लाह से डरता है वो सारी कायनात में किसी से, जो अपने दिल में अल्लाह का खौफ पैदा कर लेता है उसके दिल से सारी दुनिया का खौफ निकल जाता है, लेकिन जो अपने दिल से अल्लाह का खौफ निकाल देता है वो हर चीज से डरता है, बिल्ली भी रास्ता काट जाती है उससे भी खौफ पैदा हो जाता है, वो मुर्दों से भी डरता है, मरे हुए लोगों की भी चूमता और चाटता है, वो बेईमान होता है, वो ईमान वाला नहीं होता। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों और भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह का एक असर यह होता है कि इंसान अल्लाह की मार्फत हासिल करता है, अल्लाह कौन है उसे पता होता है, अल्लाह जब वो ये कुरान पढ़ता है उसको पता चलता है अल्लाह सभी बसीर है,
देखने वाला सुनने वाला है, तो रात की तन्हाइयां हो या दिन के उजाले हैं, हर जगह वो अल्लाह का मुराकबा अपने दिमागों में रखता है कि अल्लाह में देखे ला इलाहा इल्लल्लाह का संग होता है कि फिर जुर्म करते वक्त उसके हाथ या उसके पैर लरज जाते हैं, गलत संतों की तरफ चलते हुए उसका दिल कांप जाता है कि मेरा अल्लाह मुझे, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। आपको पता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो बंदा किसी हसीन हशमत और हसबो नसब वाली खूबसूरत दोशीदा के बुलाने पर और उसे दावत गुनाह देने पर बदकारी पर उभारने के वक्त वो उससे कह दे कि इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जब सिवाय अर्श इलाही के कोई साया नहीं होगा, अल्लाह उस बंदे को अपने अर्श का साया नहीं, अल्लाह हम सबको अपने अर्श का साया नहीं, अपने दिल में अल्लाह का खौफ पैदा कीजिए, हराम चीज़ों से बचिए और ये कोशिश कीजिए कि अल्लाह की मारफत कामिल तरीके से हमारे सीनों के अंदर होनी चाहिए, और जिसके दिल के अंदर ये होता है वो अल्लाह का मुअज़्ज़ज़ बंदा होता है। तौहीद का असर इंसान को मुतवाज़े बनाता है, नफसानी तौर पर मुतवाज़े यानी तवाज़ो और इंकसारी पैदा होती है, और अपने मालिक और अपने खालिक के ताल्लुक से उसके दिल के अंदर, यूँ समझिए कि उन उसके दिल के अंदर खुद का वजूद ख़त्म होने के दर पे बराबर होता है, लोगों के सामने वो मुतवाज़े होता है। किस चीज़ से पैदा है, या अय्युहल इंसान मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम, तुम्हें तुम्हारे रब से इंसान किस चीज़ ने धोखे में डाल रखा है, उसी रब ने तुम्हें पैदा किया पानी के कतरे से, अगर वो ज़मीन में गिरता तो उसकी कोई हैसियत नहीं, लेकिन वो माँ के रहम में जा करके वो पानी का कतरा हुआ, कतरे से लोथड़े खून का खून बने, लोथड़े बने हड्डियाँ और गोश्त गोश्त, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इंसान बनाया। इस अपने रब से तुम गुरूर कर रहे हो, तकब्बुर कर रहे हो, किस चीज़ से तुम्हें अपने रब से तकब्बुर में डाल रखा है, इसलिए तवाज़ो और इंकसारी दिल के अंदर पैदा होती है। तवाज़ो और इंकसारी का मतलब ये नहीं है कि बस अल्लाह कहते रहो, अल्लाह और अल्लाह कहते चलो, गुरूर और घमंड में बैठे हुए हैं अपनी अपने बिजनेस में, अपनी दुकान में और अपने अज़्ज़ा और अक़ारिब में, अपने रिश्तेदारों में, अपने पार्टियों में बैठे हुए हैं, अल्लाह की अज़ान अल्लाह की सदा आती है लेकिन उसे छोड़कर दोबारा नहीं जाना, ऐसा मोमिन मोमिन नहीं होता। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अरबे वल आज़म हैं, उनके जन्नत में अल्लाह अकबर, वो तो सबको जन्नत में ले जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक है कि नहीं, और उनके बारे में ये कहना कि उन्हें जन्नत, अल्लाह हु अकबर। तो मुरवीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी हमारे साथ घर में रहते, हंसते खेलते, हम हमारे से हंसी मजाक करते, बैठते हम हंसते आपस में, लेकिन जैसे ही अजान की आवाज़ आपके कान में पड़ती थी, उठ के सब कुछ छोड़कर घर से ऐसे निकलते थे जैसे आप सलाशन में हमें पहचानते ही ना हो, सब कुछ भूल जाते और सीधे मस्जिद कर आज हम कैसे पैदा, और फिर भी हम जन्नत की उम्मीद रखें अल्लाह तबारक तआला से, किस बेस पर? ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा, अपने अंदर चेंजिंग पैदा करना पड़ेगी। अगर हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर लज़्ज़त पैदा होनी चाहिए, अल्लाह के ताल्लुक से खौफ और खशियत पैदा होनी चाहिए, और तवाज़ो और इंकसारी बंदों के ताल्लुक से पैदा होना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह दिलों के अंदर यकीन पैदा करता है और बेयकीनी को ख़त्म करता है। इंसान जब भी कोई कदम उठाता है अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा करता है और अल्लाह के रास्ते में आगे बढ़ता है, बिजनेस हो, तजारत हो, मामलात हो, कोई भी मामला हो, यकीनी तौर पर, क्योंकि वो जानता है कि वो अल्लाह तआला के ऊपर अल्लाह का बंदा है और अल्लाह का चहेता बंदा वही माना है कि वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता, अल्लाह की फरमाबरदारी करता है, तो उसके अंदर दिल के अंदर यकीन पैदा होता है, यकीन का जज्बा उठता है, फिर वो तमाम मामलात में आगे बढ़ता जाता है और हर वादे को वो पूरा भी करता है यकीनी के साथ। क्यों? इसलिए कि उसके दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की उबूदियत का जज्बा मौजूद होता है, और इसी तरह से वो ये अकीदा रखता है कि हम अल्लाह की मदद करेंगे तो अल्लाह हमारी मदद करेगा, उसे यकीन पैदा होता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन तंसरुल्लाह
ينصركم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ اللہ تمہاری مدد کرے گا, وہ یثبت اقدامکم, اور اللہ تمہارے کمزور قدموں کو مضبوط بھی بنائے گا. حضرت عکاشہ ابن محسن, حضرت جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا تھا ہجرت کے وقت, حضرت صحابہ ابن جوشن رضی اللہ تعالیٰ, آپ کو پتہ ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر ان کو کتنا یقین تھا کہ جب وہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئے ہجرت کے وقت, میں وہ برا واقعہ بیان کر رہا ہوں, ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ اور ان کے پاؤں پھنس گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استدعا کی اور اللہ کے نبی نے دعا کی, پھر گھوڑے کے پاؤں نکلے. وہ شخص سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں, اس کے ساتھ کوئی بڑی قوت ہے جو کام کر رہی ہے. پیغمبر اسلام نے اس وقت اس بے سر و سامانی کے عالم میں سراقہ سے ایک بات کہی تھی اور کہا سراقہ کتنا خوش نصیب ہوگا تمہارے لیے وہ دن جب تمہارے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور قیصر و کسریٰ کا تاج تمہارے سر کے اوپر پہنایا جائے گا. اس بے سر و سامانی کے عالم میں اس شخص نے جب یہ بشارت سنی تو اس کے ہوش کے طوطے اڑ گئے, اس نے کہا یہ شخص اتنی بڑی بات, قیصر و کسریٰ کا تاج. خیر وہ بات آئی گئی, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا, قیصر و کسریٰ فتح ہوا, یہ بیمار ہوئے, موت کی آخری گھڑیاں ہیں, رونے والے رو رہے ہیں کہ سراقہ اب تمہارے آخری ایام آئے ہیں اور تم اب اور تب کے مہمان ہو. لیکن سراقہ کا ایمان بول رہا تھا, سراقہ کا یقین بول رہا تھا, سراقہ کی بصیرت کہہ رہی تھی, سراقہ کا جذبہ کہہ رہا تھا, نبی کائنات کی باتوں کا یقین سراقہ کو مرنے نہیں دے رہا تھا. کہہ رہے تھے سراقہ کیوں رو رہے ہو, ارے ہنسو رو نہیں, ابھی سراقہ نے خیزر و کسریٰ کے کنگن نہیں پہنے, بشارت سنانے والوں نے سنائی اور کہا عمر فاروق اعظم نے بلاؤ سراقہ کو, سراقہ کہاں ہے, سراقہ کہاں ہے, سراقہ کو لایا گیا. کہنے لگے نبی نے اس ہجرت کے موقع پر بے سر سامانی کے عالم نے تجھ سے کہا تھا کہ تو سراقہ, تو کیا دن اور کتنے خوش نصیب دن ہوں گے تیرے کہ تو قیصر و کسریٰ کے کنگن پہنے گا, یہ سونا سب کے لیے حرام ہے لیکن آج اس قانون کا نبی نے تیرے لیے حلال کیا ہے, آج تجھے ہم سونے کا کنگن پہنائیں گے. سراقہ کے ہاتھوں میں کنگن پہنائے گئے, قیصر و کسریٰ کا تاج رکھا گیا, کہا یہ ہے میرے نبی کا سچا فرمان, میرے نبی کا کہیں بھی بات چھوٹی. یہ یقین ایک مومن کے اندر کب پیدا ہوتا ہے, جب وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل سے کرتا ہے. یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھو اللہ کا کلمہ اور ملک الوشا اور حالت روا اللہ کے بندوں کو تسلیم کرو, یہ ایمان اور یقین کا تقاضا نہیں ہوگا کہ تم پڑھو لا الہ الا اللہ اللہ کا کلمہ پڑھو اور سجدے جا کر کے مٹی کے توندوں اور مردوں اور کھپچیوں پہ کرو, یہ ایمان نہیں ہوتا, یہ بے ایمانی ہوتی. تو محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں, اپنی زبان سے کہو اور جا کر کے اطاعت ان کی امتیوں کی کرو, اور ایرو بیرو اور نہ جانے کن کن لوگوں کے قول اور اقوال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں پیش کرو, اسے ایمان نہیں کہا جا سکتا, اسے غداری کہتے ہیں, اسے بے ایمانی کہتے ہیں. اطاعت اور اتباع, عبادت غیر اللہ کی ہو, اطاعت اور اتباع غیر رسول کی ہو, یہ دونوں اسلام کے اندر حرام, یہ دونوں اسلام کے اندر کیا ہے, حرام. یہ محمد لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ سے بہت دور ہے. اسی طرح سے لا الہ الا اللہ کا تقاضا اور لا الہ الا اللہ کا اثرات یہ ہوتے ہیں کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہہ لیتا ہے تو نیک کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں اور منکرات سے بچنا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. ہاں, اسے حلال اور حرام کی تمیز پیدا ہو جاتی ہے, اسے خبر ہو جاتی ہے حرام کیا ہے, حلال کیا ہے, منکر کیا ہے, محرمات کیا ہیں اور معروف کیا ہے, بھلائی کیا ہے, خیر کیا ہے, کیا زکات کیا ہوتی ہے, صدقہ اور خیرات کا اہمیت کیا ہوتی ہے, اور ایک حضور کا ایک ٹکڑا کسی کو دے کر جہنم سے بچنے کا مزہ کتنا آتا ہے ایک مومن کو پتا ہوتا ہے, ایک غیر مومن کو اس کا پتا نہیں ہوتا. حرام کیا ہے, سود وہ بھی کھا رہا ہے, حرام کھا رہا ہے, دوسروں کا خون چوس رہا ہے, رشوتیں لے رہا ہے, چوریاں کر رہا ہے, گردنیں کاٹ رہا ہے, جیب کترے جیب کاٹ رہا ہے, فحاشی کر رہا ہے, بدکاری کر رہا ہے, چکروں میں بیٹھی ہوئی عورتیں زناکاریاں فحاشیاں کر کے اپنا یہ جہنم بھرنے کے لیے اللہ کے اوپر بھروسہ چھوڑ کر, اللہ سے مدد مانگ کر کے چھوڑ, مدد مانگنا چھوڑ کر اپنے اپنے جسموں کو جسم پر روٹی کر کے روزی روٹی کما دی, یہ ایمان کا تقاضا نہیں.
होता, यह ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा नहीं होता। एक मोमिन को ला इलाहा इल्लल्लाह नेक काम करना आसान हो जाता है और मुनकरात को छोड़ना उसके लिए सहल हो जाता है। क्यों? उसके दिल के अंदर पैदा होता है, अगर मैं शराब पीऊंगा मेरा अल्लाह मुझसे नाराज। एक सहाबी रसूल अल्लाह के नबी खिदमत पहुंचे, कहने लगे अल्लाह के नबी मेरे अंदर चार ऐब हैं, आप बताएं इन चारों ऐबों में से कौन सा ऐब मैं छोड़ दूं जिसकी वजह से मैं सुधर जाऊं। अल्लाह के नबी से कहा कौन कौन से ऐब हैं? उसने कहा मैं चोरी भी करता हूं, मैं शराब भी पीता हूं, मैं जिना भी करता हूं और मैं झूठ भी बोलता हूं। ये चार ऐब हैं तो मुझे कोई एक बता दो मैं छोड़ दूं। अल्लाह के नबी ने कहा झूठ बोलना छोड़ दे। कहा झूठ बोलना छोड़ दे? उसने कहा बस। कहा बस झूठ बोलना छोड़ दे। कहा ठीक है, वादा कर लिया, वादा कर लिया। दूसरे दिन शाम का वक्त हुआ, उसने सोचा अब चोरी करने से तो अल्लाह के नबी ने मना नहीं किया, चलो चलते है ना, आज किसी का सफाया करते हैं। कदम घर से बाहर निकाला चोरी करने की नीयत से। जब मकाम पर पहुंचा चोरी करने तो दिल ने कहा कि मियां तू चोरी तो कर लेगा, लेकिन अगर कल नबी का सामना हुआ और नबी ने पूछा हाँ मियां तुमने चोरी की थी तो झूठ बोलोगे तो वादा खिलाफी होगी, सच बोलोगे तो कितनी बड़ी जुल्म की बात है, बुरी बात है ये, है ना, कैसे इतराफ़ करेंगे? तो फिर हाथ भी काट सकते हैं, हाथ भी काटे जाएंगे। तो कहा फिर छोड़ देना, काय को चोरी करना, झूठ नहीं बोलना। हाँ चलो यार चोरी नहीं करेंगे, चलो चोरी नहीं करेंगे। चलते हैं शराब पीते हैं। शराब भी दोस्त मिले, गए शराब की भट्टी के दरवाजे पहुंचे। अच्छा तू शराब पिएगा? हाँ। और अगर कल नबी का सामना हुआ और नबी ने पूछा शराब पी थी तो झूठ बोलोगे तो फिर वादा खिलाफी होगी और तुमने नबी से वादा किया झूठ नहीं बोलेंगे। बड़ी मुश्किल की बात है, छोड़ कर शराब नहीं पी, तो चलो चलते हैं अब फलानी हसीना के पास, उसके पहलू में रात गुजारेंगे, आराम से ऐश करेंगे, सुबह होगी देखा जाएगा। गए वहाँ दरवाजे पे दस्तक दी, दिल में ख्याल आया अरे अगर हम शराब पियेंगे अगर हम इससे हसीना के पास जाएंगे रात रात और सुबह अगर हम नबी के पास गए और नबी ने हमसे पूछा हाँ जिना किया था तो फिर क्या कहेंगे? अगर हाँ करेंगे तो मारे जाएंगे, ना करेंगे तो वादा खिलाफी होगी। खलास चलो उसके बाद भी नहीं जाते। अल्लाह 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 अल्लाह। सुबह का वक्त हुआ, फजर के टाइम नबी के पीछे नमाज पढ़ी, कहा आका आपने तो एक ऐसा नुस्खा बता दिया, एक जुर्म के छोड़ने से सारे जुर्म मैंने छोड़ दिए, आपने मुझे झूठ बोलना चला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा अल्लाह के नबी क्या मोमिन शराबी हो सकता है? आपने कहा हाँ हो सकता है। कहा जानी हो सकता है? कहा हाँ हो सकता है। कहा अच्छा चोरी चोर हो सकता है? कहा हो सकता है। अल्लाह के नबी क्या मोमिन झूठा हो सकता है? मोमिन झूठा अल्लाह। मेरे भाइयों एक झूठ यहदीर फजूर और ये जहन्नम। आज हमारी जिंदगी झूठ पे पड़ा, हर चीज के बगैर झूठ के, ना हमारी बीवी, ना हमारे बच्चे, ना हम, ना आप, ना हमारा काम, ना हमारा बिजनेस, ना हमारी तजारत, कहीं भी बगैर झूठ के। झूठ ना बोलो, सच मोमिन सच्चा, मोमिन सच्चा होता है। अहद करो कि इंशाल्लाह जिंदगी के अंदर हमेशा सच बोलेंगे और बस सिर्फ को यूजी अल्लाह के हबीब का। अगर तुम्हें यकीन है कि मेरे हबीब ने जो बात कही है वो पुख्ता है तो याद रखो प्यारे हबीब ने फरमाया कि नजात अगर चाहते हो, कामयाबी चाहते हो तो सच बोलो, सच्चाई में निजात है। वक्ती तौर पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वक्ती तौर पर झूठ बोलने से आदमी बच तो जरूर जाता है लेकिन वो आगे चल के फंसता है। एक झूठ को सच बनाने के लिए इंसान 100 झूठ बोलता है। एक झूठ इतनी गंदी चीज है। तो मेरे अजीजों कहने का मतलब यह है कि इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद झूठा नहीं। इसी तरह से तौहीद का असर अभी कितना टाइम बाकी? आधा घंटा। खड़े खड़े तो मेरा तो है, आधा घंटा बाकी है तो मेरे पास मीटर भी है। मैं आपको एक मिसाल कुरान करीम के हवाले से जी कुरान करीम के हवाले से मैं एक बात आपसे अर्ज करना चाहूँगा। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद इंसान खुद भी महफूज होता है और दूसरों की जानों की भी हिफाजत करता है, किसी को कत्ल और खून ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद मोमिन बकवास नहीं करता, तलवारों से किसी का खून नहीं करता, खतरनाक तौर पर किसी का खून नहीं बहाता। ला इलाहा इल्लल्लाह
पढ़ने के बाद उसकी भी जान महफूज और दूसरों की भी जान की वो हिफाजत करता है। वो इस तरह से किसी का कदर खून नहीं करता। ला इलाहा इल्लल्लाह का असर ये होता है कि इंसान हैरत और तरद्दुद के समंदर से बाहर निकलकर यकीन और अज़्म के और हौसलों के मैदान में आता है। वो किसी चीज़ में मुतरद्दिद नहीं होता। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला किसी चीज़ में हैरत ज़दा नहीं होता। कोई चीज़ देख हैरत में पड़ गया, ना 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 ये लकड़ियाँ और प्लास्टिक छोड़ करके आसमान पे उड़ा रहे हैं, हम बड़े हैरत से देख रहे हैं, ओहो बे क्या चीज़ है ये, तो लोहे लकड़ उड़ रहे हैं, हमको हैरत नहीं होती। काफिर इकबाल अल्लाह ताला उनकी खताओं को माफ़ फरमाए और अल्लाह ताला उनके पर रहम फरमाए, बड़ी बड़ी नज़र थी उनकी। अल्लाह इकबाल ने क्या कहा, कहते हैं कि मोमिन है काफिर है, नहीं नहीं ना, काफिर की ये पहचान कि वो आफाक में गुम है, काफिर की ये पहचान कि आफाक आफाक ये ज़मीन और आसमान की पहनाइयाँ ये बुलंदियाँ, काफिर की ये पहचान कि वो आफाक में गुम है, ये चांद ये सितारे ये सूरज की हवाएं फजाएं उसी की तहकीक में लगा हुआ और मोमिन की ये पहचान कि आफाक उसमें गुम, मोमिन की ये पहचान कि गुम उसमें है आफाक, मोमिन की ये पहचान कि गुम उसमें है आफाक, पूरी दुनिया उसके रिसर्च में लगी हुई है। ये मोमिन है, क्या है ये इंसान है, वफा खैर भलाई सदाकत सखावत शुजात हुकूमत सियासत बसारत बसीरत जिस तरफ जाओ देखो, ये मोमिन अजीबो गरीब के बने हुए जहां आते हैं वो अपने बाल बच्चों को लेके जाते हैं, ऐसा लगता है कि ये लड़ने नहीं बल्कि हुकूमत करने आ रहे हैं। कुफार मक्का पिछले जमाने के साहबा जब सफर करते थे जहाज के लिए तो बाप बच्चों को लेके जाते थे, इतना यकीन था उनको कि हमें फतह करके वापस आना, मारे डर के उनके पसीने और छक्के छूट जाते थे दुश्मन ने इस्लाम के, वो सोचते थे ये बाप बच्चों को लेके क्यों आ रहे हैं, इतना इनको यकीन है कि ये हार करके नहीं जाएंगे जीत के जाएंगे। हाँ ये मोमिन की शान होती है, क्यों, वो अल्लाह का बहादुर होता है, वो अल्लाह का शेर होता है, वो किसी चीज से नहीं डरता है, वो डरता है सिर्फ खालिक कायनात से, और वो जानता है कि मेरा मालिक व मौला वो है जो जिस चीज को भी चाहे इशारा कर दे वो हमारे लिए अल्लाह समंदर भी उसके लिए रास्ते दे देते हैं, उसके गुमशुदा माल भी समंदर उठा करके बाहर, उसको पता है ये अल्लाह से रब्त जब पैदा होगा ना आपका, और कामिल अल्लाह की कसम बतला रहा हूं, रब्बे जुलजलाल की कसम बतला रहा हूं, आप ऐसे ऐसे अजूबे देखेंगे, आप अल्लाह की ऐसी रहमतें देखेंगे कि आप सोच में बताएंगे कि या अल्लाह ये तो मैंने किया कि कैसे हो गए। अल्लाह ताला आपके काम, अल्लाह आपके काम में, अल्लाह आपकी मदद करेगा इंशाअल्लाह। आप बस अल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह को मजबूती के साथ पढ़ो और मुकम्मल कामिल तरीके से अल्लाह के बंदे बन जाओ, अल्लाह की कसम अल्लाह तबारक व तआला हाथ उठाओगे आसमान और जमीन आपकी मदद के लिए टूट पड़ेंगे इंशाअल्लाह। ये आज जो हम जूते खा रहे हैं अपनों के हाथ, ये भी है अल्लाह का अजाब है। ये ना सोचे हमें यहूदों नसारा उतना नहीं मारते जितना हम एक दूसरे को मारते हैं। ये बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, मैं मिसाल में देता हूँ आपको, आप मुझे बताएं ये नरेंद्र मोदी नहीं है वहां कौन है, एक दूसरे को मार रहे कौन मार, सोचो जरा इन हवादिस पे भी सोचा, ये जो बम ब्लास्ट हमारे मुल्कों के अंदर है ये कौन मार रहा है, मस्जिदों के अंदर बम ब्लास्ट हो रहे हैं, पार्कों में बम ब्लास्ट हो रहे हैं, गाड़ी पार्क हर जगह बम ब्लास्ट हो रहे हैं, हम एक दूसरे को मारते हैं। इराक में मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहते हैं ना, मारते कि नहीं मारते, ये कौन है, ये क्या है, आपने कभी सोचा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग मुसलमान, कहने को मुसलमान है ठीक है, आप कहोगे खान इसके अंदर कही है फलाने हैं ढकाने, हम वो नहीं मानते, हम ये जुमले की बात है, ये अल्लाह का अज़ाब है, क्यों, इसलिए कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह में सच्चे नहीं हैं, हमारा ईमान सच्चा नहीं है, हम जो कहते हैं उसमें जो बोलते हैं। तो मोमिन, ये जो मोमिन जो होता है वो किसी अजूबे दुनिया को देख करके वो हैरत नहीं होता, ना वो हैरान होता है, बल्कि उसको
हमने कहा ये तो आज 1400 बरस के बाद बना, हमें तो हमारे अल्लाह ने पुराने करीम में फरमाया सुभानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। हमारे रब ने तो कहा पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। लम्हे पलक छिपकने में प्यारे नबी मक्का से बैतुल मुकद्दस और बैतुल मुकद्दस से सातों आसमान और जमीन और ओ बुराक और वो अर्श और वो कुर्सी और वो जन्नत और वो जहन्नम और वो नजारे वो गुफ्तगू और नमाजों का फर्ज होना और आना और जाना। प्यारे नबी ने तो एक लम्हे भर दे, अभी तो वो मरहले बाकी, ये तो लोहे लक्कर पे जोड़ के पिटलो पिटलो लगा के है ना ऊपर उड़ाता है। हमारे नबी तो कहाँ कहाँ, ना पेट्रोल ना बेंजीन ना कोच ना कोच है। प्यारे नबी तो बहुत पहले चले गए। हमारे रब ने कहा फिक्र नहीं करना, कभी ऐसे फ्यूले आए अभी इंसानों को जो हमने जवाब दिए हैं अगर ये कभी बना कोई सोच में नहीं करना, हैरत ज़दा ना होना, अपने नबी के इस मेराज के मौजज़े को याद कर लेना, ईमान ताज़ा हो। और तो और ये तो बड़े बड़े लोहे लगकर उड़ रहे हैं मेरे रब ने, अल्लाह अकबर, जरा गौर करो यहाँ कोई ना कोई अल्लाह की कोई मखलूक यहाँ उड़ रही होगी, बड़ी नन्ही मुन्नी सी छोटी सी, आखिर उसमें जान है कि नहीं, उसमें रग है कि नहीं, उसमें खून है कि नहीं, उस छोटे मोटे नन्हे मुन्ने मक्खी से भी कमतरीन घुंडे के अंदर सब कुछ फिट है, खाता भी है पीता भी है कदाए हाजत भी करता होगा खून भी सब है, उसे न पेट्रोल की फिक्र है न बेंजीन की फिक्र है, यही माहौल से सब कुछ ले रहा है, ये मेरे रब ने बनाया। एक मोमिन की सोचता है मेरा रब तो ये कभी ऐसा बना सकता है, कभी नहीं बना सकता। हाँ तो हैरत में मोमिन नहीं पड़ता, किसी चीज़ में हैरत में नहीं पड़ता, इसलिए ये साइंसी जो इख्तिराआत आप देख करके आ रहे हो ये तो हमारे में बहुत पहले ये सब कुरान में लिखा हुआ, ये तो हमारे नबी ने सब बयान कर दिया, ये कौन सी बात रही, इन्होंने जमीन आसमान इधर उधर देख करके तहकीकात कर ली कुरान पढ़ करके ये कोई हैरत की बात नहीं है। और मोमिन जो होता है वो अल्लाह मेरे अजीजों बहुत सारी उसकी वो हैं खूबियाँ हैं, मैं उन खूबियों क्या बताऊँ, मैं कुरान करीम के हवाले से आखिरी बात मैं आपको अर्ज करना चाहूँगा कि किस तरह से ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान के अंदर तब्दीली पैदा करता है। आपको मैं कुरान हज़रत मूसा और जादूगरों का के उन वाक़यात की समत लेके चलता हूँ, आप याद करो थोड़ी लम्हे के लिए, तसव्वुर करो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों का बाहमी मुकाबला हुआ और फिरौन ने वो मुकाबला करवाया। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको जिक्र किया وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ। مختصر فرعون موسیٰ علیہ السلام کو زیر کرنے کے لیے مقابلے کے لیے اس دور جادوگروں کا تھا, تمام شہر کے جادوگروں کو بلایا, وہ کفار کے سارے جادوگر پہنچے فرعون کے دربار میں, کہا موسیٰ کا مقابلہ کرنا ہے। तारीख में आता है तकरीबन वो कितने थे मालूम है, 70,000 जजाक अल्लाह, मैं 7,000 के चक्कर में था। तफसीर इब्ने कसीर के अंदर के बाद इब्ने हाफिज़ ने कसीर रहमतुल्लाह लिखी है कि बाद रवायतों से साबित होगा 70,000 और उनके मुकाबले में तने तरह हजरत मूसा अलैहि सलाम मुवाहिद, बाकी सारे के सारे कुफार, सारे के सारे मुशरिक, 70,000 और एक से एक जादू के अंदर यूं समझिए माहिर लोग। फिरौन के दरबार में पहुंचे और फिरौन से क्या कह रहे हैं वो जरा उसलूब जरा अंदाज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के में नोट किया है, उनका कलाम क्या कह रहे हैं। आका फिरौन ये बतलाइए हुजूर इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, अगर हमने मूसा को शिकस्त दे दी हरा दिया तो हमें कुछ मिलेगा, माल पानी कुछ है, कुछ दोगे कुछ मिलेगा, देखें हिर्स और हवस और लालच कितनी गंदी चीज होती। قال نعم انكم لمن المقربين, हाँ अगर तुमने उन्हें शिकस्त दी तो फिर तो वजारत की कुर्सियां आपके लिए इंतजार कर रही हैं, आप तो बड़े करीबी हो जाएंगे, हम मुकर्रबीन मुकर्रब खास हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया साजिदीन قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون, अब है मैं एक मंजर
से पहले, ईमान से पहले इन जादूगरों की कैफियत क्या थी? 70,000 की वो फिरौन के सामने वो दस्ते गदाई फैला करके कह रहे थे कि अगर हम जीत गए तो हमें कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिरौन ने वादा किया हाँ तुम्हें मालूम है। ये एक मंजर। दूसरा मंजर, जादू के लिए उन्होंने अपने रस्सियाँ डाली और जो हुआ आप सब जानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना वो एक डंडा डाला तो ये सारी रस्सियाँ ख़त्म, सबको उसने एक ही सांस में हड़प कर दिया और सारे जादूगर देख के हैरान। और सुनो एक बात मैं आपको बताऊँ, जो सही आलिम होता है ना वो हक बात देख करके वो हक को कबूल कर लेता है, लेकिन जो मक्कार और झूठे होते हैं वो जल्दी हक को नहीं कबूल करते। ये बात याद रखो, आज के जो मौलवी लोग नहीं सुधर रहे इसकी वजह ये सारे मक्कार और अय्यार और झूठे हैं अभी अक्सर अक्सर, लेकिन इनमें हम जैसे गरीब लोग सुधर गए अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी वही डिपार्टमेंट से आए हुए तो हम मक्कार नहीं थे। हाँ हम देखते थे हकीकत की नज़रों से, हाँ, और हमारे सामने अगर इस दर की कोई फालतू बातें करता तो मैं उसको शायद जानते हैं कि एक इंजीनियर था कहीं का गया हुआ था, उसने कुछ बदतमीजी करी, हमने शेख तो उसी पता चला कि इनका कोई खैर प्याज का कोई पहचान उछान का, मैंने उनको बुलवाया, मैंने कहा इसको बोलो ये इंजीनियर होगा, मैंने कहा ये अगर सही रास्ते पर होता ये मुझसे पंगा नहीं लेता, ये ज़रूर बिगड़ा हुआ आदमी है कि मुझे जानता है, उसने मेरा नाम सुना है इसलिए बदतमीजी कर रहा है, इसको बताओ। उसके सामने मैंने कहा रब की कसम है तुम्हारे जैसे लोग मेरे ये घुटने चूमते थे, मैंने चुमवाया है, टांगे चुमवाई हैं, आज तुम मुझसे जुरत कर रहे हो गुफ्तगू करने की। अरे अगर मैं बिदती होता, खबर परस्त होता तो तुम्हारी हिम्मत नहीं थी हमारे सामने बैठने की। तू क्या पिद्दी का शोरबा। अबू अहमद बहरेन से आए हमारे तौकीर भाई बैठे बेचारे, आज मुझसे पूछ रहे थे शेर ये पिद्दी क्या पिद्दी का शोरबा, मेरे बच्चे पूछते हैं इसका क्या मतलब। खैर मैंने इनको उसका डिफिनेशन बता दी है। मैंने कहा तू क्या क्या हैसियत, तेरी क्या हैसियत है? हम बरेलवी थे, अल्लाह की कसम के घुटने चुमाते थे, हम लोग चूमते थे और हाथ जोड़ करके अगर हम एक घूर दे तो पेशाब खता हो जाता, वो भी अभी दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई थी उस वक्त का आलम था, आज अगर होता फिर ये तो वही बंगाली वाली बात होती कि वो बेचारा था कोई, उसको कुछ जमात के लोग आए कहने लगे चल नमाज जो चलो जमात में निकलो नमाज वमाज पढ़ो, है ना, उसने कहा भाप भगवान खेत बाड़ी हैं मुर्गी बच्चे हैं, है ना, मैं ये मर जाएंगे कहेंगे नहीं अल्लाह ताला डबल देगा। वो बेचारा निकल गया चिल्ले में, जब वापस आया तो उसके बैल जो थे दो तीन जोड़ियाँ थी बेचारी मर गई, आया तो देखा वो बैल मर गए, भाषो से बोले यार ये चिल्ले वाले लेके गए और देखो तो तुम्हारे बैल मर गए। फिर दोबारा कुछ महीनों के बाद चिल्ला पार्टी आई, कहने लगे चलो चिल्ले में कहने चले जाओ भाई, एक दफ़ा गया था मेरे बैल ख़त्म हो गए, अब ये भैंस ये मुर्गी और ये बकरियाँ हैं, अब मैं नहीं मारना चाहता हूँ। भाई कैसी तू बातें करते, तुम्हारे दिल में शैतान है, अल्लाह इम्तिहान ले रहा, आज हाँ इसे चलो अल्लाह डबल दे देगा तिबल दे देगा। वो बेचारा उनके साथ फिर चला गया। फिर एक दो महीने के चिल्ले के बाद जब वापस हुआ तो आया देखा तो उसकी दो तीन भैंसे थी वो पहले ख़त्म हो चुकी थी, शुक्रिया ये तो बजाय बरकत के जो पूरी ख़त्म हो रहे थे। वो दो एक महीने के बाद फिर पार्टी पहुँच गई, छोरी ठंडी लेकर मसल्ला तस्वीर कहने लगे चलो चिल्ले में, कहने लगे भैया पहले बैल गए हैं भैंस भी चली गई अब ये बकरियाँ आए मुर्गियाँ मेरे बच्चे मर जाएंगे, कहने लगे नहीं अल्लाह देगा ये करेगा ये आजमाइश है कटा रहे इस्तकामत की राह किया कर, कहा मिल जाएंगे बोले मिल जाएंगे चल। वो गया वापस आया बकरियाँ गायब बकरी खत्म, अब बड़ा परेशान हुआ अफसोस में बैठा हुआ था कि बकरियाँ चली गई भैंसे भी चली गई बैल भी चले गए मुर्गा खाए बेचारा हुई। अब शाम हुई तो मुर्गे के दरवाजे पर खड़ा हुआ मुर्गे को बुला रहा है कि अंदर आ जाए अंदर आ जाए, मुर्गा इधर उधर भाग रहा है इधर उधर भाग रहा है, अब उसके पीछे दौड़ रहा है आ जा आ जा, चल आ गया कहा आ जाने तो अभी अल्लाह को कर कहा अभी नीयत मैंने बांधी तू तो एक रगत का भी नहीं है, तू तो एक रगत का भी नहीं है, इतनी नमाजें पढ़ पढ़ करके देख क्या क्या जाया हो गई, तू तो एक रगत का भी नहीं है, अभी नीयत बांधूंगा गया। तो वही बात है भैया, ये हमारे सामने नानी के आगे ननिहाल का जिक्र लोग करते हैं, हमने कहा हमारे सामने इनसे कहो बात जो है साथ साथ उसको समझा रहे ऐसी बात नहीं है, मैंने बोले देखे ये ऐसी बात कर रहे, मैंने कहा तुम बिदती हो चौखट चूमने वाले मुर्दा प्रस्त
हमारे तलवे चाटने वाले तुम लोग हमसे बात मत करो, हमारे अहले हदीस हो गए तो तुम हमसे आँख मिलाने की बात कर रहे हो, हम सब्र कर लेते हैं, हम बर्दाश्त करने वाले हो गए, ला इलाहा इल्लल्लाह की इज्जत और इहतराम करते हैं, वरना हमने क्या क्या नहीं किया है, हमारे सामने नानी के आगे ननिहाल का तस्करा नहीं किया करते हैं। खैर लेके गए बाद में उसको समझा उठा के लाए बाद में महसूस उसने मांगी होगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो मुशरिक होता है ना, ये वो जादूगर जो थे, मुशरिक जो होता है उसके अंदर जो चीज़ें होती बड़ी अजीब व गरीब, लालच और हिर्स और कसम। मैं ये कह रहा था जो हक परस्त होते हैं उलमा भी, वो हक को देख कर ईमान ले आते हैं, लेकिन जो अय्यार और मक्कार होते हैं दुनिया परस्ती का मुकद्दर, जो सिर्फ हवस परस्ती खाने पीने के चक्कर, वो जानते हैं हक को, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि अगर इधर हो गया तो पहले तो मुर्ग मुसलम मिलते थे, नाश्ता भी नसीब नहीं होगा, जैसे फजलुर रहमान साहब ने नाश्ता भी नहीं करवाया है माधरत के साथ याली भाई के है ना, और डायरेक्ट खाने पर 2:30 बजे बुला लिया, नाश्ता नहीं किया है, होटल में छोड़ देते हैं, ऐसा लगता है जैसे होटल नहीं। आजकल तो मेहमान नवाजी भी अजीब व गरीब हो गई कि आप कितने मेहमान जाए, तो पहले उलमा को घरों पर ठहराया जाता था कि इज्जत, आज होटल में डाल देते वहाँ ना बर्श है ना इंजन है ना साबुन है ना सैया है और पानी भी खारा, नहाया नहीं मैं जुमा का दिन है माजरत के साथ, पानी उल्टी करो तो उल्टी आती है। मैंने उनसे कहा आइंदा ऐसी जगह न ठहराना अल्लाह के लिए, क्योंकि ऐसा ना करो यार, इज्जत इज्जत आप लोग तो सोचते हैं लोग होटल में ठहरे हैं ये कर रहे हैं, हमारी जो कैफियत होती है हम जानते हैं, किससे जिक्र करें, अल्लाह खैर करे फजलुर रहमान साहब का तो आइंदा पता नहीं क्या होगा, अल्लाह वाले आया तो समझ लेना खुश हैं, नहीं बुला नहीं आया तो समझ लेना नाराज है, नहीं बुलाया अल्लाह ताला खैर करे। मेरे अजीजों मेरे दोस्तों और भाई, खैर थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट था आपके लिए, हक करने का मतलब ये है जो हक परस्त होते हैं बातिन में भी रहते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें हिदायत, तो मुझे पता तेज आदमी तकार आदमी हमेशा हक को तलाश करने वाले, लेकिन अबू जहल मक्कार और अय्यार खबीज मर गया, मार डाला गया, कभी उसे हक नसीब नहीं, मक्का या तो हुकूमत और सरदारी की हवस जैसे अबू तालिब, अब आबा और इस्दाद परस्ती की तरफ चल इस्तल तुम ना रहा, कहा अबू जहल अबू लहल ने अबू तालिब ने कि मुझे आग में जाना पसंद है लेकिन बाप दादाओं ये तानो तस्मी मुझे गवारा और ये तानो तस्मी मुझे गवारा नहीं। तो ऐसे लोग होते वो जादूगर समझते थे यार जादू की हकीकत ये है, लेकिन ये बंदा जो डंडा डाल दिया और डंडा डाल दिया पूरे हमारे जादू खत्म, तो ये कोई और चीज़ है, ये जादू नहीं है, वो समझ गए, वो फौरी तौर पर समझ गए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वो उल्किया सहरा साजिदीन कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, और सारे जादूगर उसी मैदान में सजदे में गए और कहने लगे हम रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए, किस पर ईमान लाए, आगे अल्लाह ने फरमाया उन्होंने कहा रब्बुल आलमीन, फिरौन का तो खुशी से या उसके मानने वालों का तो खुशी से बहुत बड़ा कलेजा हो गया होगा कि रब्बुल आलमीन तो हम ही हैं, तो वह जादूगर हमारे ऊपर ईमान ले आया, लेकिन आगे उन्होंने क्या कहा अल्लाह फरमाता है रब्बे मूसा व हारून, या उसके ख्वाबों का मलिया मेट था, उन्होंने कहा वो रब्बुल आलमीन जो मूसा और हारून का रब है हम उसके ऊपर ईमान ले, आगे सुनो अल्लाह फरमाता قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم, अरे मेरे हुक्म के बगैर तुम ईमान ले, मैं तुम्हारा पाक परवरदिगार मैंने तुम्हें हुक्म नहीं दिया तुम ईमान ले, अल्लाह हु उसने कहा हाजा लबकर मगर तुम फिल मदीना, ये तो बहुत बड़ी साजिश है जो तुमने शहर में की है, ये तुखरिजु मिनहा अहलहा, ताकि शहर के लोगों को अपने साथ लेके जाओ, ये तुमने मूसा के साथ मिलकर जरूर साजिश की, सारे जादूगरों के ऊपर फट से इल्जाम लगाया, कहा तुम मूसा के साथ मिल चुके हो और तुमने मिलकर ये तमाम सब काम किया है, फसौफा तअलमून, तो तुम अनकरीब जानोगे तुम्हारा हश्र क्या होने वाला है, लक़त्तअन्ना अयदीयकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफिन, उल्टे हाथ और पांव हम तुम्हारे काटेंगे, थुम्मा लउसल्लिमन्नकुम अजमईन, फिर हम तुम सबको इसी खजूर के दरख्त के ऊपर फांसी के ऊपर उल्टा लटकाएंगे, उल्टा लटकाएंगे। ये धमकी दी किसने, वक्त के बादशाह ने, वक्त के फिरौन ने, फौजों से भरा हुआ दरबार पूरा फुल जो असलहे से लैस हथियारों से लैस इन निहत्थे बेचारों को उसने ये चैलेंज किया कि हम तुम्हारे हाथ पांव पड़वा कर, लेकिन अब तो ईमान ले आए थे, अब ईमान लाने के बाद तब्दीली खौफ और दहशत का और हिरस और हवस का आलम यह था
कि जब फिरौन के दरबार में पहुंचे थे तो वो माल और दौलत की हवस उनके दिल के अंदर थी, लेकिन जब ईमान की दौलत से मालामाल हो गए तो फिरौन की इस धमकी का जवाब सुनो कि यही बुजदिल और यही हवस परस्त जादूगर अब क्या जवाब दे रहे हैं उस फिरौन को जिसके दरबार में हाथ फैला के भीख मांग रहे थे कि आका कुछ मिलेगा, कुछ दौलत मिलेगी, कुछ दान दक्षिणा मिलेगा हमको अगर हम मूसा को हमने शिकस्त दे दी। अब ईमान की दौलत पाने के बाद उनका हाल क्या है? कालू इन्ना इला रब्बिना मुनकलिबून। सारे जादूगरों ने कहा फिर तो हम, अगर तू हमारे साथ ऐसा सलूक करेगा तो हम अपने रब की तरफ पलट करके जाने वाले हैं। वमा तंकिमु मिन्ना इल्ला अन आमन्ना बि आयात रब्बिना, और हमसे तो तुम ये इंतकाम ले रहे हो सिर्फ इसी वजह से ना कि हम अपने रब के ऊपर ही मान ले आए हैं। लम्मा जातना रब्बुना, जब हमारे पास अल्लाह की आयतें आ गई, हमने देखी निशानियां और हम ईमान ले आए, तुम हम इसी इंतकाम के जज्बे से हमको कतल करोगे? जाओ, इसकी हमें कोई परवाह नहीं है। अब फिरौन से हटकर अल्लाह की तरफ दुआ करने लगे, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन, ए अल्लाह अगर हमारे ऊपर ये ज़ुल्म ज़्यादती करे तो अल्लाह हमारे ऊपर सब्र का फैज़ान, हमारे ऊपर सब्र करने की हमें कुव्वत अता फरमा, हम सब्र कर लें, मर जाएं तेरी राह में, जिंदगी दे दें हमें, ए अल्लाह इसकी कुव्वत अता फरमा, वतवफ़ना मुस्लिमीन, और हमें इस्लाम की हालत में वफ़ात अता फरमा। एक जगह और अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके जिक्र को किया है, मतलब बयान किया है, वकाल अल-मलअ मिन कौम फिरऔन अतज़रु मूसा व कौमहु लियुफ़सिदू फिल अर्ध, मूसा की कौम ने, फिरौन की कौम ने क्या कहा फिरौन की कौम ने, जो जमात फिरौन की दरबार में बैठी हुई थी उन्होंने क्या कहा? अतज़रु मूसा व कौम, मूसा को और उनकी कौम को इतनी आसानी से आप छोड़ देंगे कि वो जमीन में फसाद फिल अर्ध करते फिर? मूसा को और उनकी कौम को वैसे ही जमीन में छोड़ दोगे कि वो फसाद फैलाते रहे? यहां एक बात और याद रखना, हमेशा हक वालों को फसादी कहा गया, आज भी जितने ना हक पसंद हैं, आप जब तौहीद की बात करोगे, सुन्नत की बात करोगे, वो फट से कहेंगे ये फसाद है, ये फितना पैदा कर, नया नया मजहब ला, नया नया दीन, नए नए मौलवी, नया नया दीन, नए नए फसादी, मौलवी भी मेंबरों में हराब से यही चिल्लाएगा ये फसाद पैदा कर रहा। हमारे दरमियान इत्तेहाद है, हम सब मिलजुल के हैं, ये जमाना इत्तेहाद का है, दुश्मनों से लड़ने का है, दुश्मन के मुकाबले में मुत्तहिद रहने का, ये चूचू का मुरब्बा दुश्मनों से लड़े, एक हुक जो बिल्लियों के काटने से घर के अंदर लौट आता है हमारे घर के, जो मुर्दों से डरे, जो बिल्लियों से डरे, कुत्ते से और खोते से डरे, वो दुश्मनों से मुकाबला करेगा? हम देख रहे हैं कितने मुकाबले हो गए, हमारी ही लाशों के जरिए आसाम भर दिया गया, हमारी ही लाशों से बर्मा भर दिया गया, हमारी ही लाशों से हर जगह होलियाँ खेली जा रही हैं। हमारे अंदर अगर ईमान होता तो हमारे में आज ये दिन ना देखना पड़ते, बोलो देखना पड़ते, गाजर मूली की तरह हमें काटा जा रहा है, गाजर मूली की तरह, क्यों? इसलिए कि हम गाजर मूली हैं, हमारे इन वायरों में करंट नहीं है, बिजली नहीं है, ईमान की पावर नहीं है, इस वजह से है। अगर ईमान होता तो हमारा एक बच्चा भी न मरता अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम कब सुधरेंगे? सुधरेंगे तब हमारे अंदर ये चीज आएगी। तो क्या कहा उन्होंने? फसाद पैदा करने के लिए जाने दो, ये जाने मत दो, पकड़ो इनको, इनको खत्म करो। सनुकत्तिल अबनाअहुम, फिरौन ने कहा हम इनके बच्चों को मार डालेंगे, उनस्तहयी निसाअहुम, इनकी औरतों को हलाल कर लेंगे हम, वइन्ना फौकहुम काहिरून, हम इनके ऊपर गालिब हैं और ये हमसे कमजोर, हम इनको खत्म कर देंगे। काल मूसा लिकौम, तो मूसा अलैहिस्सलाम बेचारे अकेले, पूरी कौम हजारों हजार पीछे, अल्लाह अकबर, एक नबी और वो भी कौम जानते हो कि अभी अभी जलालत से निकली हुई, हस्ते मूसा से कहने लगी, मूसा जब तुम हम में आए थे, नहीं थे तब भी हम मुसीबत में थे, अब आए हो कभी भी मुसीबत में, छोटा कोई मुसीबत में हमें फंसा दिया तुमने, अरे जहाँ थे वहीं अच्छे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा है इस्तईनू बिल्लाह बस, अल्लाह से मदद तलब करो और सब्र करो, इन्नल अर्ध लिल्लाह, ये ज़मीन अल्लाह की है, यू हिस्सा मन यशाउ मिन इबादी, अल्लाह इसका वारिस अपने जिस बंदे को चाहता है बनाता है। यकीन आप सबके लिए, हम सबके लिए, सब्र करो मदद, सब्र करो और अल्लाह से मदद तलब करो, इंशाल्लाह इस जमीन के मालिक तुम बनोगे इंशाल्लाह, लेकिन जब इस लायक होगे जब, वरना सारी कुदरत और ताकत का पावर अमेरिका को समझोगे, जापान को समझोगे और यूरोप को समझोगे, और जब भी कोई बात आएगी अमेरिका यूरोप जो चाहे कर दें, कुफ्र है,
ये कुफ्र है ये कहना, जो चाहे कर दे। अरे पावर, सुपर पावर है अमेरिका, कोई ऊपर पर सुपर पावर नहीं है, सब जूता पावर है। तुम पावरफुल मुसलमान मोमिन कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला, ये सुपर पावर रब का कलमा, सुपर पावर है अल्लाह, सुपर पावर है सबसे बड़ी कुव्वत अल्लाह, हां ये सबसे बड़ी कुव्वत और अल्लाह वालों की है। मेरे अजीजो अल्लाह सब्र करो, सब्र करो और अल्लाह से मदद तलब करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वल आखिरतु लिल मुत्तकीन, अल्लाह फरमाता है आखिरत मुत्तकीन की। तो अर्ज करने का मतलब यह है, छोटी सी मैंने मिसाल दी कि यही मुशरिकीन, यही जादूगर जब काफिर थे तो हिर्स और हवस का, दुनिया परस्ती का आलम यह था कि फिरौन से भीख मांग रहे हैं, लेकिन जब ईमान की दौलत आ गई लम्हे भर में मिजाज बदल गया, फिक्र बदल गई, तबीयत बदल गई, सोच बदल गई, जुबान बदल गई और कहने लगे जा, तेरे मार काट से हम डरने वाले नहीं हैं, हम अपने रब की तरफ पलटने वाले हैं, हमारा रब जो चाहेगा। ये तब्दीली, ये असर पैदा होता है कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद, फिर इंसान किसी से नहीं डरता, सिर्फ अल्लाह से डरता है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों और भाइयों, यही हमारा पैगाम है और हम सबका यही मिशन है। अल्लाह ताला हमें और आपको माने ला इलाहा इल्लल्लाह के समझने और इसके असरात को कबूल करने और अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लाने की कोशिश अदा फरमाए और हम सबको किताब व सुन्नत पर चलने वाला बनाए, हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारे माँ बाप के ऊपर रहम फरमाए, जो इंतकाल कर गए हैं अल्लाह उन्हें करवट और जिंदे से फरमाए, जो जिंदा हैं सब को आफियत के साथ अल्लाह तबारक तआला सही ईमान की दौलत से मालामाल फरमाए और अल्लाह तआला हम सबको, हम सबके वालिदैन की गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद फरमाए और हम सबकी गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद फरमाए और हम सबको जन्नत में दाखिल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद वअला आलिहि वसहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।